Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on. Hello, 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 and welcome back to my channel once again. Welcome back to yet another vlog of Avantika. And I am so happy today. इसका रीजन ये है कि कल रात मुझे पता चला था कि आज मेरी छुट्टी है और यहाँ पर मम्मी हमारे लिए सुबह सुबह बना रही हैं बेसन की रोटी जो कि वन ऑफ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट है. आलू का पराठा तो मुझे पसंद है ही, उसके साथ मुझे बेसन की रोटी भी बहुत पसंद है. हालांकि मम्मी मेरे को कभी कभी टिफ़िन में भी देती हैं, बट घर में रिलैक्स होकर छुट्टी वाले दिन एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना अपने आप में एक ब्लेसिंग होती है यार, बहुत अच्छा. यहाँ पर एक बन के तैयार भी हो गई, चलो खाते हैं. और यहाँ पर मैं आई हूँ टूडू को अपने गुड मॉर्निंग करने. टूडू बैठे बैठे बाहर वाले बर्डीज से बात कर रहे हैं, स्पेशली पिजन्स उनको बहुत पसंद हैं. और मेरे को तो बिल्कुल भी इनके भाव मिलते नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं गुस्से में. ही इज़ आस्किंग मी व्हाई द हेल आर यू हियर. टूडू किया है ये ब्लू हेवन का ग्रीन वाला काजल जो कि बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है. उसके ऊपर मैंने यूज करा है ऊपर वाले लाइनर में ब्लैक वाला लाइनर. मैंने लगाई थी ये लैक्मे वाली लिपस्टिक, बट ये थोड़ी सी मेरे को डार्क लग रही थी फॉरएवर मैट की. तो जो मैंने ये मंगाई है ब्लू हेवन की, मैंने ये भी ट्राई करी एंड दिस इज़ अ वेरी सटल लाइट कलर जो मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ परफ्यूम्स अपने लिए ऑर्डर करे थे जो मुझे अच्छे ऑफर में मिल गए और ये मैंने निकाल भी लिया. मैंने ये वाला खोल भी दिया, दूसरा रखा हुआ है एंड दीज आर रियली नाइस. और ये मैं दिखाऊंगी आपको बाद में, अगर मैं शॉर्ट बनाऊंगी तो जरूर आई शो इट टू यू. ओके, और ये रही मेरी गॉथिक ज्वेलरी जो मैंने बहुत पहले खरीदी थी एंड इसमें से मैं सोच रही हूँ कोई एक पहन लूँ. ये वाला तो नहीं, हाँ ये वाला बड़ा डेंटी सा है, ये मुझे अच्छा लगता है काफी. मैं पहन के दिखाती हूँ आपको. और अपने उस ब्लैक चोकर के साथ मैंने पेयर करे हैं ये ब्लैक आउल इयररिंग्स, ये वाले जो मैंने सिलीगुड़ी से लिए थे, पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको. सो मैं भी पहन के आपको दिखाती हूँ. और ये रहा वो गॉथिक ज्वेलरी का एक नेक बैंड चोकर जिसे कहते हैं. मैंने ये वाला पहना है बिकॉज उस वाले में आई थिंक मैंने लास्ट टाइम फाउंडेशन यूज करा था पार्टी में, तो उस वजह से वो काफी फाउंडेशन उस पर लग गया है. तो आई हैव टू क्लीन दिस. और इसको मैंने पेयर करा है ये आउल वाले इयररिंग के साथ. इसकी ब्लैक ब्लैक आईज है क्यूट सी. और मुझे आउल वाले इयररिंग्स बहुत पसंद है. मेरे पास बहुत सारे मिलेंगे आपको, हुक वाले और ये ऐसे टॉप्स मैंने बहुत लिए थे. सो माय मदर इज गेटिंग रेडी एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग शी इज गोइंग टू टेक. ब्रेकफास्ट मैं सुबह कर चुकी हूँ. और हाँ, मेरा वॉल पेपर मैंने आपको बताया, मैंने इसे स्टिकर भी लगाए हुए आउल्स वाले. सो आई विल शो यू. ये आप देख सकते हैं जैसे मैडिन कितने फेवरेट है यार ये मेरे, क्यूट, सो क्यूट. क्या हुआ भैया, टू डस धूप आ गई है वापस. और सुबह सुबह हम और मम्मी निकल चले हैं अपने अपने काम निपटाने के लिए. हमारा पहला काम होगा बैंक जाकर मेरा एक 50,000 साल पुराना वाला अकाउंट चेक करने का, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अभी भी चल भी रहा होगा. सो मैं उसे एक्टिव कराना पड़ेगा. और दूसरा होगा कि मैं अपनी फ्रेंड को विज़िट करूँगी जिसका कि आज बर्थडे. आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हर. और ये रहा मोती झील, अब आते ही होंगे यहाँ पर मैं बहुत रेयर आती हूँ. शुरू में आती थी जब मैं छोटी थी. और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फ्रीज़ हो चुका है, मुझे फिर से एक्टिव कराना पड़ेगा. ये रहा टैटू एडिक्ट, कराना हो तो आ जाना. A few moments later. और हम पहुंच चुके हैं अपनी फ्रेंड के घर जो कि हमें देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी अपना गिफ्ट देखने अच्छा के बाद. ट्रस्ट मी, ये वाले जो बर्थडे बैग्स होते हैं ना, मेरा मन करता मेरे को भी इसी में कोई गिफ्ट दे. और उसने काफ़ी कुछ हमारे मतलब सर्व करा था, हमें पहुंचते ही सीधे उसने हमें काफ़ी कुछ खाने को सर्व कर दिया. एंड
ये रहा उसका केक जो कि हमें उस टाइम नहीं मिला था, बाद में बस पेक आई थी, लेट हो गया। और यहाँ बनाई है उसने चिकन बिरयानी एंड इट इज लुकिंग यम्मी। नाउ आई एम गोना टेस्ट इट। मेरे देखते ही मुंह में पानी आ रहा था, मैंने कहा मैं जल्दी से टेस्ट करके बताती हूँ। वो पूछ रही थी बार बार, मैंने टेस्ट भी नहीं करी तब भी पूछी कैसा बना है, एंड मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपने फेस पे कि कैसा बना है। बट हाँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। द फ्लेवर्स एंड द टेस्ट वॉज लाइक सो बैलेंस्ड एवरीथिंग, मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं था, सब कुछ बैलेंस था। और मेरा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन कैमरे पे भी जा रहा था बिकॉज लाइट इफेक्ट मेरे को देखना पड़ रहा था, ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये एक थोड़ा सा व्लॉगिंग के साथ प्रॉब्लम रहती है कि आपका आधा ध्यान कैमरे पे ही रहता है यार, कि ठीक से रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार तो ऐसा होता है मैं रिकॉर्ड करती हूँ, बाद में पता चलता है कि भाई हुआ ही नहीं है। एंड द फूड वॉज अमेजिंग जस्ट लाइक माई फ्रेंड। और यहाँ पर उसने हमारे लिए खाना पैक भी करा है। अब हमारा टाइम हो चला है घर वापस जाने का बिकॉज ममा को लंच प्रिपेयर करना है और ये बड़ा क्यूट सा फादर्स डे का गिफ्ट। चलिए अब निकलते हैं, देर हो रही है। और ये रही मैं। वापस जाते हुए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा इस बात का कि हमारा एक काम नहीं हो पाया, बट चलो कोई बात नहीं। आई बिलीव कि हर काम के लिए एक दिन फिक्स होता है, एंड मे बी इस काम के लिए कोई और दिन फिक्स रहा होगा, सो वो उस दिन हो जाएगा। सो आई ट्राई एंड कीप माई सेल्फ पॉजिटिव रादर देन यू नो क्लिंगिंग ऑन टू द नेगेटिव साइड, एंड आई थिंक एवरी वन शुड बिलीव दैट। और ये रहे मेरे बैंक के पेपर्स, आई थिंक मेरे को फिल करने पड़ेंगे कुछ KYC का और ATM का पेपर दिया था उन्होंने। A few moments later. मैं ले आई हूँ अपनी चाय और मैंने आज फ्लोर पर ही थोड़ा सा ऐसी अपनी सेटिंग कर ली है कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ और यहाँ पे देखूंगी मैं एक मूवी, और मूवी देखने के साथ साथ पीऊंगी चाय और फिर करूंगी थोड़ा सा अपना काम। कुछ दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट पे कुछ ऑर्डर करा था जो फाइनली आ गया है। आई मीन दो परफ्यूम तो पहले आ गए थे बट दो बॉडी स्प्रे जिनका मैं डेस्परेटली वेट कर रही थी वो काफ़ी टाइम बाद मुझे मिला। और मैंने इस व्लॉग में आई थिंक दिखाया था लेकिन वो मैंने एडिट कर दिया। चलो मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखा दूँगी। और ये रही मेरे और मेरे भाई की शॉपिंग वाले दिन की फ़ोटो साथ में। A few moments later. Hi. शाम का टाइम हो गया है और वेदर काफ़ी अच्छा अभी हो रखा है। शाम के 6 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो गया, ऐसा फील हो रहा है जैसे सितंबर में ही विंटर्स आ गए। ऐसा कभी हुआ नहीं है बट चलो अभी कुछ ऐसा नया हो रहा है। बट आई ऑलवेज लव्ड विंटर्स, सो मुझे विंटर्स काफ़ी पसंद हैं। सो मैं दिन में सोई नहीं बिकॉज काफ़ी एडिटिंग चल रही थी मेरे वीडियोज़ की और रील्स सॉरी शॉर्ट्स बना रही थी मैं। मैं रील्स भी बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। So it took a hell lot of time for me to make those because there was some or the other mistake for which I have to delete the videos and make a new one. So वो मेरे लिए काफ़ी you know tiring रहा था। जो मेरा दिन में rest करने वाला time है वो नहीं हो पाता है। And आपसे बात करते करते साथ ही में मैं अपना makeup remove कर रही हूँ ये micellar water से। ये मैंने आपको दिखाया भी था, आपने shopping hall पे दिखाया होगा। ये पता नहीं light का थोड़ा सा गड़बड़ सा effect हो जा रहा है। सॉरी पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम से ब्लैंक हो जाता है। सो डिनर अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, मम्मी करेंगी और तब तक के लिए मैं अपना बाकी का काम देखूंगी। मुझे वो भी काफ़ी निपटाना है कल तक, मुझे काफ़ी कुछ बिकॉज हमारा एक डेडलाइन होता है, उस डेडलाइन तक हमें अपना काम प्रिपेयर करना होता है। मम्मी मेरे लिए चाय इसमें बना के रख देती हैं मेरे टम्बलर में फ्लास्क में, सो मेरे लिए ईजी रहता है बिकॉज आई एम एडिक्टेड टू टी। सो मैं इसमें कम से कम आई मेक श्योर कि मैं ज़्यादा ना पीऊँ, बट मेरी आदत पड़ चुकी है। बट दिस टी इज़ शुगरलेस एंड दिस आई एम गोइंग टू हैव विद पीनट बटर टोस्ट। मैं भी लगा के लाई थी कि मैं साथ में खाती जाऊँगी और चाय पीती जाऊँगी एंड आई विल वॉच माई मूवी ऑल्सो। साथ साथ में काम भी शुरू होगा, सो ऐसा काम चल रहा है फिलहाल से। और मेरी फ्रेंड का बर्थडे काफ़ी अच्छा रहा, हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड करा काफ़ी अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो केक नहीं आया था लेकिन बाद में आया, तब तक हम लोग आ चुके थे तो कोई बात नहीं, आई एम श्योर वो मुझे बाद में खिलाई देंगी। सो यस आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ माय फ्रेंड हु हैज़ गॉट अ चैनल अबाउट द स्टॉक मार्केट।
सो उसका जो चैनल का लिंक का डिस्क्रिप्शन है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो आप एक बार जाकर उस चैनल को चेक करके, उसके वीडियोस देखकर, उसको लाइक करके उसका चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर देना. एंड मुझे किसी ने गिव अवे के लिए भी बोला था, सो आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि येस आई एम प्लानिंग फॉर अ गिव अवे. इट विल टेक अ वाइल बट देन डेफिनेटली आई कम अप विद सम गुड आइडियाज एंड आई लेट यू नो हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. और अभी काफी टायरिंग हो गया है, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा करके एक्सटेंड नहीं करूंगी बिकॉज मुझे थोड़ा थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है. तो मैं चाय पीऊंगी और अपना मूवी देखते देखते. यस, मूवी दैट आई एम वॉचिंग इज रियली नाइस, द वंस हु आर इनटू सस्पेंस एंड थ्रिलर्स. दिस इज द बेस्ट मूवी. इट इज ऑन नेटफ्लिक्स. द मूवी नेम इज लू. सो यू कैन गो फॉर इट. बड़ी अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और मैं सजेस्ट करूंगी आप भी देख सकते हो. तो मैं कुछ अभी रिंग लाइट लगा के नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही कर रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट रियल. दिस इज वॉट द रियल इज. सो आई हैड अ ग्रेट डे. जरूर सोई नहीं हूँ लेकिन हाँ चलो ठीक है, जो भी रहा अच्छा रहा. पूरा दिन काफी कोशिश करी मैंने प्रोडक्टिव करने की लेकिन काम मेरे रुक गए, पर चलो बाद में करूंगी. सो मैं बस ये कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज till end. Or the ones who are new to my channel, kindly subscribe my channel and watch my videos and hit a like for me. और जो भी आपको समझ में आता है मेरे वीडियोस को देख के, आपको अगर कुछ लगता है तो आप जरूर कमेंट करें. आपके कमेंट के थ्रू मुझे काफी कुछ कन्वे होता है. सो नेक्स्ट में व्लॉग जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जल्दी बनाऊंगी बिकॉज मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिले, छुट्टी का एक टाइम मिलता है तो मैं पूरा वीडियो बनाऊं. तो उस तरह से मैं बना रही हूं. जैसे मेरे वीडियोस आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं, काइंडली लाइक, हिट अ लाइक फॉर माय वीडियोस प्लीज. एंड काइंडली कीप ऑन शोइंग दिस लव टू मी ऑलवेज ऑलवेज. आई नीड दिस एंड आई लव यू ऑल. जितनों ने अभी तक सब्सक्राइब करा है, क्योंकि 1K से एक टाइम था जहां मैंने कहीं से शुरुआत करी थी तो धीरे 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 करके वहां तक पहुंचा और अब 1K पे पहुंचा और 1K से भी आगे जा रहा है. एंड दिस इज समथिंग रियली यू नो विच मेक्स मी फील ग्लैड एंड प्राउड. सो थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. एंड ऐसे ही प्यार अपना दिखाते रहिए, अपना ख्याल रखिए. एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.